हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर काफी बेहतरीन नजर आता है, जहाँ पर अच्छे खासे हमारे टारगेट भी नजर आते हैं कि अच्छे खासे टारगेट हमें हम मिल सकते हैं। बट थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है, तो इस चीज को भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑलरेडी वो स्टॉक्स काफी भागा है और भागने के बाद वो केवल 4 रुपए में मिल रहा है। पैनी स्टॉक की तरह ही आपको ट्रीट करना है, और वो एक्चुअली अगर बात करें तो पैनी स्टॉक्स नहीं है, अच्छा खासा ही स्टॉक्स यहाँ पर है। और यहाँ पर फरवरी में एक 1:1 में वो स्प्लिट भी हुआ है, एज वेल एज यहाँ पर अगर बात करें बोनस भी दिया गया है कंपनी के द्वारा। तो कौन सा स्टॉक है उससे रिलेटेड बातें करते हैं। बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन, एज वेल एज दूसरी बहुत सारी वीडियोज डाली जाती है, तो जाइए देखिए सीखिए और सीखने की कोशिश करिए। ओके, और जितना हो सके यहाँ पर लास्ट तक वीडियो में बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करिए और लाइक जरूर कर दीजिए इस पर्टिकुलर वीडियो को। और यहाँ पर ये पर्टिकुलर नंबर दे रखे हैं, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर नंबर पे आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो राजेश एक्सपोर्ट शेयर का नाम नहीं है, पहले ही बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था फरवरी 2022 में यहाँ पर ये स्प्लिट हुआ है। ओके, 10 की फेस वैल्यू 1 में यहाँ पर स्प्लिट होती हुई नजर आई है, और बोनस की बात करें 1:1 में यहाँ पर बोनस भी मिलता हुआ नजर आया है। इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसके फाइनेंशियल्स भी काफी बेहतरीन नजर आते हैं। 2000 यहाँ पर आप देखेंगे 2018 में कुछ प्रॉफिट नहीं था, 19-20-21 में सेम प्रॉफिट 1 करोड़ का, बट रिवेन्यू की बात करें रिवेन्यू यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हमेशा, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट्स है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे प्रोमोटर्स की होल्डिंग, तो अच्छी खासी होल्डिंग बनी हुई है एज इट इज, बट अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 26% के यहाँ पर सितंबर 2020 में प्रोमोटर्स ने प्लेजिंग कर रखी थी, अपने शेयर गिरवी रख रखे थे। ओके, वो यहाँ पर कम हो, यहाँ पर 0 हुए, फिर यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ी है, और अभी अगर दोबारा बात करें तो लगभग 3.99% की यहाँ पर प्लेजिंग होती हुई दिखाई देती है। तो आइए वीडियो की तरफ और आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारी ले लेते हैं और कंपनी का नाम देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम है SBC एक्सपोर्ट लिमिटेड। SBC एक्सपोर्ट लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं, 5 रुपए का ये शेयर चल रहा है। फेस वैल्यू की बात करें 1 की फेस वैल्यू है, और यहाँ पर शेयर 2208 रुपए पे 11 जन को था, अभी 4 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, मतलब यहाँ पर स्प्लिट और बोनस के लिए ही यहाँ पर ये नीचे आता हुआ दिखाई दिया, बाकी थोड़ा बहुत शेयर नीचे आया भी है। कंपनी इंफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट एंड ऑल बोनस से रिलेटेड यहाँ पर बातें ऑलरेडी यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर प्लेजिंग से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। कंपनी करती क्या है उससे रिलेटेड जान लेते हैं। तो SBC एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इट इज एंगेज इन द ट्रेडिंग एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स, मैन पावर सप्लाई सर्विसेज एंड टूर ऑपरेटर सर्विसेज। करंटली को कंपनी हैज 70 डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया, रिसीव एन एवरेज ऑफ 75 न्यू प्रोजेक्ट्स एवरी ईयर। मिस्टर गोविंद जी गुप्ता इज द MD ऑफ दिस कंपनी। तो अगर हम यहाँ पर देखें, कंपनी यहाँ पर मल्टी डाइवर्सिफाइड बिजनेस में यहाँ पर काम करती हुई दिखाई देती है, जिसमें अगर हम बात करें कंपनी यहाँ पर आपकी गारमेंट्स में भी दिखाई देती है। गारमेंट्स के अलावा बात करें यहाँ पर कंपनी यहाँ पर टूर एंड सर्विसेज में यहाँ पर दिखाई देती है, जो कि एक बार इनकी वेबसाइट पर आप जाएंगे ना तो आपको सब चीज़ यहाँ पर पता चलेगी कि कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। तो देखिए यहाँ पर गारमेंट्स में कंपनी काम करती है, जो कारपेट्स बनते हुए आपने देखे होंगे, वो कारपेट्स जो है आप गलीचे बिछाए जाते हैं उसमें कंपनी काम करती है। ट्रैवल में कंपनी काम करती है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT में भी ये कंपनी काम करती है नजर आती है, जिसमें ये वेबसाइट वगैरह डिजाइन करती है। ट्रैवलिंग का भी इन्होंने शायद ये नया शुरू किया है, कारपेट्स और गारमेंट्स में भी ये कंपनी काम करती है। तो कंपनी काफी बेहतरीन है, 26 साल का एक्सपीरियंस, 70 डिस्ट्रीब्यूटर्स इन इंडिया, 75 इनके पास न्यू प्रोजेक्ट एवरी ईयर आते रहते हैं, 99 सक्सेस एवरी ईयर अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफी बेहतरीन यहाँ पर कंपनी नजर आती है। और भी बहुत सारी कुछ चीजें यहाँ पर जानने के लिए इनकी वेबसाइट को एक बार विजिट करिए, एज वेल एज इनके बिजनेस को एक बार विजिट करिए, तो आपको चीजें समझ में आएगी। यहाँ पर आप गारमेंट्स के बारे में जाके पढ़ सकते हैं, यहाँ पर कारपेट से रिलेटेड है यहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं, ट्रेवल से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं, कंपनी किस नाम से रजिस्टर्ड है, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी यहाँ पर कंपनी से जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए इनके जो गारमेंट्स है यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने अपनी अलग ही एक वेबसाइट बना रखी है एफ रूट के नाम से। तो एफ रूट पे यहाँ पर आपको मेंस वियर, वुमेन्स वियर, किड्स वियर, एक्सेसरीज यहाँ पर सब कुछ आपको मिलते हुए नजर आएंगे ऑफर वगैरह के साथ। तो काफी बेहतरीन यहाँ पर कपड़े, ज्यादा ब्रांडेड यहाँ पर नाम नहीं है, ना ही साइड ज्यादा अभी नामी गिरामी है, बट कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। ये तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेबसाइट की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं।
और किसी ने यूज किया हो ये वेबसाइट तो डेफिनेटली बताइएगा, मैंने यूज नहीं करी है अभी तक। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक कारपेट से रिलेटेड भी काम करते हुए दिखाई देते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कारपेट। इसके अलावा यहाँ पर इनकी मौजी ट्रिप के नाम से, मौजी ट्रिप के नाम से इनका वेबसाइट भी है, अगर हम गूगल पे एक बार सर्च करते हैं मौजी ट्रिप, तो हाँ देखिए यहाँ पर मौजी ट्रिप के नाम से यहाँ पर दिख जाएगा। डोमेस्टिक फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। यहाँ पर होटल, बस, हॉलीडेज, क्रूज से रिलेटेड सारी जानकारी, डिस्काउंट एंड ऑल, यहाँ पर इनके जो ऑफर्स चलते रहते हैं उससे रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी। एज वेल एज यहाँ पर अगर हम बात करें आईटी सॉल्यूशन, जिसमें ये एचआर कंसल्टेंट, आईटी सॉल्यूशंस, मैन पावर, स्टाफिंग, ई गवर्नेंस से रिलेटेड भी कंपनी काम करती हुई नजर आती है। इनके क्लाइंट की बात करें सीएमएस कंप्यूटर लिमिटेड, एबीएम नॉलेज, एज वेल एज यूरेका टेक ग्रुप, यहाँ पर ये कंपनी है, यहाँ पर कंपनी इनके साथ काम करती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर कंपनी का डाइवर्सिफाइड बिजनेस दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं कंपनी से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड। मार्केट कैप की बात करें 104 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब यहाँ पर माइक्रो कैप कंपनी है। पीई की बात करें 56 का पीई है, और यहाँ पर इंडस्ट्री का पीई 34 नजर आता है। तो यहाँ पर आसपास ही यहाँ पर है, ज्यादा महंगा, थोड़ा सा महंगा यहाँ पर दिखाई देता है, बट इतना महंगा नहीं है जितने दूसरे स्टॉक्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। आरओसी आरओई की बात करें ठीक ठाक है, ठीक ठाक, बट इतना खास यहाँ पर दिखाई नहीं देता। आरओसी 13.8% के आसपास। डेट की बात करें 41% का डेट भी है, और शेयर यहाँ पर 10 रुपीज से यहाँ पर क्रैक हो करेक्ट होके यहाँ पर लगभग 5 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 50% यहाँ पर शेयर नीचे आ चुका है। तो कंपनी इस अगर हम देखें तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में हमें एक अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न्स मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। 2019 में कंपनी आती हुई दिखाई दी थी मार्केट में लिस्ट, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देखिए 2020 में यहाँ पर एक क्वार्टर, दिसंबर 2020 में यहाँ पर इनके रिजल्ट आए थे 2600 रुपए, 52 रुपए और 56 रुपए, यहाँ पर 56 करोड़ रुपए की करोड़ में बात हो रही है। सेल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, मतलब इनकी सेल्स लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और मार्जिन की बात करें वो भी देखिए क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली बेसिस, दोनों बेसिस पे यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी बढ़ रहा है, और ईपीएस भी बढ़ रहा है। तो कंपनी यहाँ पर क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे अच्छा काम कर रही है, इस वजह से यहाँ पर शॉर्ट टर्म के पर्पज से आप इस पर्टिकुलर शेयर की तरफ नजरें बना सकते हैं। यहाँ पर सेल्स की बात करें, कंपनी की सेल्स देखिए यहाँ पर 2012 में 2 करोड़ थी, और धीरे धीरे बढ़ के यहाँ पर 2021 में 192 करोड़ हो गई है। नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी यहाँ पर धीरे धीरे 0 करोड़ से 2 करोड़ पे आ गया है। और रिजर्व की बात करें कंपनी का 12 करोड़ के रिजर्व है, शेयर कैपिटल 11 करोड़ का, और बोरिंग की बात करें 9 करोड़ की बोरिंग है, इसलिए वहाँ पर 0.49% के आसपास की बोरिंग थी। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कंपनी का कुछ नहीं है। कैश की बात करें कंपनी का लगभग 2.89 करोड़ का यहाँ पर कैश भी है, और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है 68.26%, और यहाँ पर प्रमोटर्स ने 0.2% की हिस्सेदारी बढ़ाई भी है। पब्लिक की बात करें 31.74% की हिस्सेदारी नजर आती है, बट इसमें भी अगर आप देखेंगे तो कुछ बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर हिस्सेदारी ले रखी है, लगभग 10-12% 15% की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती है। तो अब आइए अच्छे खासी शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर प्रमोटर्स के पास भी है, पब्लिक के पास भी है, सब कुछ यहाँ पर अच्छा खासा नजर आता है, और केवल 4% के आसपास ही यहाँ पर प्लेजिंग है। रिजल्ट कंपनी के अच्छे खासे आ रहे हैं, कंपनी यहाँ पर डाइवर्सिफाइड बिजनेस में है। तो हम अगर बात करें एसबीसी एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो कंपनी यहाँ पर अच्छी खासी नजर आती है। यहाँ पर एसबीसी एक्सपोर्ट्स अगर हम यहाँ पर देखते हैं बीएससी में, तो आपको चीजें समझ में आएगी। देखिए 10 रुपए तक ये शेयर यहाँ पर गया, और उसके बाद यहाँ पर करेक्ट होके लगभग यहाँ पर ये शेयर 4.5 रुपए तक आ चुका है, लगभग 50% ऑलरेडी डाउन चल रहा है। बट यहाँ से अब क्या दिखाई देता है, अपने सबसे पहले 200 डीएमए के आसपास से ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है, और मुझे यहाँ पर से शॉर्ट टर्म में आपको अच्छे खासे यहाँ पर टारगेट दिखाई देते हैं। देखिए हमारा टारगेट रहता है कि 20-40% का यहाँ पर रिटर्न्स मिल जाए तो काफी बेहतरीन रिटर्न्स माने जाते हैं। तो मुझे यहाँ पर लगभग 56% तक के यहाँ पर टारगेट दिखाई देते हैं शॉर्ट टर्म में, बट 30% के भी मिल जाते हैं, 40% के भी रिटर्न्स मिल जाते हैं, अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न होते हैं। वॉल्यूम की बात करें वॉल्यूम भी यहाँ पर ठीक ठाक नजर आते हैं, और शेयर अगर गिरने की बात करें तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पर शेयर 50% से ज्यादा यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। और भी अगर कुछ कह नहीं सकते, अगर मार्केट गिरे तो ऑब्वियसली बात है स्मॉल कैप माइक्रो कैप का शेयर होते हैं तो और भी गिर सकते हैं, तो रिस्क भी आपको साथ में लेना पड़ेगा। यहाँ पर रिस्क की और यहाँ रिवॉर्ड की बात करें, रिवॉर्ड भी उसी तरीके से यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। शेयर की अगर बात करें, अगर गिरने पर आया तो यहाँ पर फिर ये सीधे यहाँ अगर ये अपने इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को यहाँ पर क्रॉस करता है,
याद रखिएगा 4.55, तो यहाँ पर शेयर को फिर बचाना मुश्किल है, फिर तो ये लगभग 2 रुपए तक भी आ सकता है और 50% क्रैश हो सकता है। तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा एज वेल एज अच्छे रिटर्न के लिए तैयार रहिएगा। तो अच्छे रिटर्न पाने के लिए अच्छे लॉस की भी यहाँ पर रिस्क भी लेना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, स्मॉल कैप में और माइक्रो कैप में रिटर्न ज्यादा मिलेंगे, मिड कैप में उससे थोड़े से कम और लार्ज कैप में थोड़े से और कम मिलते हुए नजर आएंगे। तो आपको अगर अच्छे स्टॉक्स चुनने हैं, बट और चीजें यहाँ पर देखिए समझ में आती है, चीजें यहाँ पर माइक्रो कैप है बट रिजल्ट की बात करें, कंपनी के रिजल्ट यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वगैरह सब चीज अच्छे खासे आ रहे हैं। तो सब चीज अच्छी आ रही है और शेयर ऑलरेडी 51% करेक्ट हो चुका है। तो चीजें यहाँ से थोड़ी सी कंसोलिडेट करके ऊपर जाने की चांसेस यहाँ पर ज्यादा है, ना कि यहाँ पर नीचे आने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पर आप, मेरी कोई पोजिशन नहीं है बट आई एम थिंकिंग अबाउट इट कि यहाँ पर थोड़ी सी पोजीशन ली जाए, यहाँ पर थोड़ा बहुत पैसा डाला जाए, तो फिर भी देखते हैं। बट आप अपने रिस्क एपेटाइट, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर कोई भी पोजीशन लीजिएगा। किसी के भी कहने पर कुछ भी यहाँ पर आपको करने की जरूरत नहीं है। चीजें यहाँ पर मुझे अच्छी नजर आती है बट स्टिल यहाँ पर आपको खुद देखना है, खुद स्टडी करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, इस पर्टिकुलर चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट हो तो कमेंट करना है, और इस पर्टिकुलर नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।